اور ہندوستان کی سرزمین جس کو برصغیر کہا جاتا تھا اس وقت انگریز اس میں داخل ہو چکا تھا سن 1600 سے لے کر سن 1700 تک یہ جتنا حصہ ہے شریک ہے انگریز کا پورا تسلط اس پہ ہو چکا تھا سن 1700 سے لے کر 1800 تک یہ پوری شریف یاد رکھنا انگریز بادشاہ برطانیہ کی سرحد کی اس کی حکومت یہاں پر قائم ہو چکی تھی اور بادشاہ برطانیہ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں
بھائیو جو ہوا چل نکلی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان بنے گا, پاکستان بنے گا. اور یاد رکھنا اس وقت جو نعرہ لگایا جاتا تھا مسلم لیگ پاکستان کی جو تاریخ اور اس وقت کی جماعت تھی جس کے بانی بار میں مولانا پاک محمد علی جناح اور اس کے ساتھ لیاقت علی خان اور دوسرے احباب تھے اور ان کے نام مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے, تو اس وقت یہ نعرہ لگایا جاتا تھا
उस वक्त कौम को मिशन दिया गया जिस नाम पर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन आज 70 सालों के बाद वो इस मुल्क को नहीं मिला। इन बदनसीबों और वो हुक्मरानों ने वो चीज इनको नहीं दी, इसकी रूह की वजह से लोग आवाम परेशान है। इस्लाम के लिए यहाँ कुछ नहीं किया गया, बल्कि मदारस और मसाजिद के खिलाफ उल्टी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाइयों, जब तक वापस नहीं बनेंगे वो मसला हल नहीं होगा। इसलिए इसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान के अंदर फिर और इस्लाम को नाफिज कर दिया जाए। सारे हाय फादर के तहत करते हैं, पाकिस्तान में फिलहाल इस्लाम को नाफिज कर दिया जाए। ये इस कौम की पहचान बन जाएगी, इस कौम की आवाज थी 70 साल पहले भी और आज भी। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज उस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कोशिशें हो रही है और बहुत बड़ा अहमियत है। लेकिन याद रखना, ये पाकिस्तान का वजूद 1947 14 अगस्त को आता है और इसके बाद 1948 है, 14 मई की तारीख है। एक और ग्रुप का वजूद आता है जिसको इसराइल के नाम से लिखा पड़ा जा रहा है। इसराइल पाकिस्तान के बनने के 9वां बाप बनता है और पाकिस्तान ने उसका इलाज करना है। यहूदियत ईसाइयत के खिलाफ पाकिस्तान पहले भी बरसरे बेकार था, पाकिस्तान अब भी बरसरे बेकार है। यहूदियत और